नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सभी का स्वागत है सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में हर पूजा विधि के अपने अलग अलग नियम होते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होते ही लोग भोले शंकर को खुश करने के लिए उन पर भांग, धतूरा, जल आदि अर्पित करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी अपना एक नियम होता है। शिव जी को जल चढ़ाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, जल चढ़ाते समय किस तरफ भक्त का मुख होना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, यह जानना जरूरी है। और इन नियमों के अनुसार आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, तो आपकी पूजा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा दोस्तों आपको पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख है वो पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार होता है और इस दिशा की ओर मुंह करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जल समर्पित करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। कभी भी भगवान की पीठ की तरफ खड़े होकर न पूजा करनी चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं किस पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भगवान शिव को जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल हमेशा कलश से ही चढ़ाएं। शिव जी का अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र सबसे उत्तम माना जाता है। कांसे या चांदी के पात्र से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन जल अभिषेक के लिए कभी भी स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि तांबे के बर्तन के कभी भी दूध का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप दूध से अभिषेक करें तो तांबे का बर्तन आपको नहीं लेना है। जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर। तो दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें, जल हमेशा बैठकर ही समर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। बता दें कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं, जल दाहिने हाथ से जल चढ़ाना चाहिए या बाएं हाथ से। तो भगवान शिव का अभिषेक जल धारा से ही करना चाहिए। जैसे जल की धारा एकदम पतली बहकर आती है, ठीक वैसे ही एक धार में धीरे धीरे भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान शिव को हमेशा दाहिने हाथ से जल चढ़ाएं और बाएं हाथ से दाहिने हाथ का स्पर्श करें। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव को जल चढ़ाने के जरूरी नियम। अगर इन नियमों से आप नित्य प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी, भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।